Hey guys, welcome back to my channel. आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि ये वीडियो करते करते मुझे ही इतना मजा आया है. आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा देखने में. बहुत सारा फेस्टिवल आ रहा है बैक टू बैक, जैसे कि दुर्गा पूजा हो गया, दिवाली हो गया, करवा चौथ हो गया, फिर नवरात्रि, बहुत सारा फेस्टिवल है. तो मैंने सोचा इस फेस्टिवल के टाइम जब मिंत्रा में इतना अच्छा सेल चल रहा है कि मिंत्रा बिग फैशन फेस्टिवल चल रहा है तो क्यों ना शॉपिंग किया जाए. उस सूट ऑर्डर दिया था, ज्यादा नहीं, मैंने 7 ऑर्डर दिया था जिसमें से 5 मुझे रिसीव हुआ है, 2 अभी भी रिसीव नहीं हुआ है. वो दिखा रहा है 25 तक शायद रिसीव होगा, तो बहुत लेट हो जाता. तो मैंने सोचा जो भी रिसीव हुआ है क्यों ना उसका हॉल किया जाए. और उनमें से ये ब्लैक वाला है, ये इतना ज्यादा मुझे पसंद आया है. और वैसे भी ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं इसको पहनने से कैसे पीछे हटूं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पहन के ही शूट किया जाए. इसलिए मैंने थोड़ा सा तामझाम के साथ वीडियो कर रही हूँ, जैसे कि मैंने ब्लैक कलर का ऑक्सीडाइज झुमका भी पहना है, एंड ये इसको क्या बोलते हैं पता तो नहीं है, पर जो भी बोलते हैं ये भी मैंने पहन लिया है, जबकि ये मैंने 2 साल पहले लिया था, फर्स्ट टाइम ही पहना है. दुपट्टा में मुझे सबसे ज्यादा पता है ये प्रिटी लग रहा है, कैमरा में पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को उतना समझ में आ रहा है कि नहीं. बस ऐसे रियल में ग्रे एंड व्हाइट एंड ब्लैक का जो पूरा जो काम किया हुआ है बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी लग रहा है. इसका जो गले का जो वर्क है यहाँ पे पूरा वर्क किया है और थोड़ा सा मिरर फिनिश दिया है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा चिकन करी का थोड़ा सा टच दिया हुआ है. बहुत ही ओवरऑल लुक बहुत ज्यादा अच्छा है. मैं साइड में भी पिक्चर लगा दूंगी ताकि आप लोग अच्छे से देख सके. तो ये रहा मेरा फर्स्ट मिंत्रा का लिवास ब्रांड का मेरा सूट. आई होप के आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना. एंड सेकेंड रहा ये, मुझे लिवास का बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें प्रिंटेड पैंट भी मिलता है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. और ये रहा दूसरा सेट, ये रहा पैंट. प्लाजो पैंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत स्मार्ट लगता है. मैं जो एम साइज में लेती हूँ इतना ज्यादा एक्स्ट्रा, 2 साइज ज्यादा एक्स्ट्रा लेती हूँ, इसलिए मैं पैंट को हमेशा मुझे थोड़ा सा ऑल्टर कराना होता है क्योंकि मेरा कमर में नहीं आता है. सो ये रहा पैंट. पैंट पे भी कितना अच्छे से प्रिंट होके रखा है, बहुत ही सॉफ्ट मेटेरियल है. और ये रहा दुपट्टा. लिवास का मुझे यही अच्छा लगता है, प्रिंटेड रहता है. सो सिंपल भी आप कुछ भी पहनो तो आपको बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है. तो ये रहा दुपट्टा, कितना सॉफ्ट है यार, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. ऐसा लग रहा है सभी पहन लो एक साथ, तो पहनना तो पड़ेगा. तो ये बहुत ज्यादा बड़ा सा दुपट्टा है, बहुत बड़ा दुपट्टा है, एंड दुपट्टा में भी ऐसा प्रिंट किया हुआ है, ये जैसे देख सकते हो आप लोग, ये पूरा अच्छे से प्रिंट है, एंड पूरा व्हाइट के ऊपर पिंक और थोड़ा सा येलो टच है, तो और ज़्यादा खिल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एंड ये मेरे पे कैसा लग रहा है ज़रूर बताना. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये भी पहन सकती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है. सो ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताना. ये रहा कुर्ता, कितना प्यारा है, लिवास का है. कुछ कुछ तो मैंने फाड़ ही दिया था, मतलब जो टैग है. ये रहा पूरा कुर्ता. कुर्ता में गले में जो वर्क है वो अब इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है यार. मुझ पे कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना. सो ये भी बहुत ही अच्छा है, हीरी कॉटन हैंड है. सो और भी चांद चांद लगा देगा पूरा, और पूरा एकदम लॉन्ग लेंथ तक है. मुझे लॉन्ग लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और फैशन में भी है, और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी लगता है. मैं जो भी पीस आर्टिकल आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ना, सब मैंने चुन चुन के मैंने ऑर्डर दिया है. एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोगों को पसंद ना आए. मैं 5 दिखाऊंगी, 5 में से आप लोगों को 5 ही पसंद आएगा, ये मैं पहले से ही बता दे रही हूँ. मैं बहुत ही कम हॉल वीडियो बनाती हूँ, पर जो भी मैंने आज बना रही हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है. ये रहा मेरा सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो यही है. एंड थर्ड रहा ये है सरारा सेट. एक मिनट, इसका टैग मैंने नहीं फाड़ा.
इसमें ना एक डोरी भी है, ये बैक में आप इसको अच्छे से, ये बैक में डोरी, एक गोल नेक का है एंड राउंड, आई मीन जिसको राउंड नेक बोलते हैं, एंड इसका डोरी पीछे से है, वो आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। इसका जो हैंड का जो डिज़ाइन है वो सिर्फ एक बार देख लो, जो घोटी हाथा बोला जाता है वैसा टाइप का मुझे लग रहा है। इसका सिर्फ हैंड का वर्क देखो, ये देखो सी, ओहो एक मिनट देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका हैंड का वर्क बहुत ही प्रिटी है, गोटा पत्ती का पूरा वर्क है, और ये इतना सा साइज में है क्योंकि ये सरारा है, और इसका बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला बहुत ही अच्छा मटेरियल है, मटेरियल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। और ये रहा पैंट, ये सरारा सेट है आपका, तो एकदम सरब आपको घेर मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा एकदम फ्लेयर वाला आपको घेर मिल जाएगा, और बहुत ज़्यादा प्रिटी है। इसको भी मैंने 38 में ही लिया है, मैं हमेशा सूट 38 में ही लेती हूँ, ताकि मैं बाद में भी अगर मोटी हो जाऊँ तो फिर मैं पहन सकूँ, तो मैं अच्छा दिमाग, क्योंकि मैं पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, और तो मैं सिर्फ वेस्टर्न ड्रेस में ही थोड़ा बहुत एक साइज उसमें भी बढ़ा लेती हूँ, एकदम से मेरा जो साइज है एक्स्ट्रा स्मॉल तो वो साइज में बहुत ही कम ड्रेस वेयर करती हूँ, जो बॉडीकोन टाइप होता है वही, अदरवाइज नहीं, बिकॉज मैं थोड़ा दूर की सोचती हूँ कि मैं मोटी हो जाऊँ तो एक जैसे तो कोई नहीं रहता है। सूट में तो बाप रे बाप, सूट तो मेरा जान है, क्योंकि वेस्टर्न तो चलो आज पहन रहे हैं, थोड़ा सा पतली दुबली हूँ, शादी वादी अभी हुआ नहीं, पहन ले रहे हैं, पर सूट क्या है, एवरग्रीन है, शादी के बाद अगर ना पहनना पड़े तो ये पहनूंगी, तो इसलिए थोड़ा सा साइज में बड़ा ले रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा सोच समझ के, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे क्या पागल गिरी है, बट मैं तो ऐसे ही हूँ गाइस, क्या करूँ क्या करूँ यार, खुद इतना मेहनत से कमाती हूँ तो पैसा को खर्चा अभी तो सोच समझ के ही करना पड़ेगा ना, फ्यूचर सोच के। सो गाइस एनीवेज, इतना बड़ा इसका घेर देखो, एक का घेर यहाँ तक, ओहो बहुत बड़ा घेर है, इसमें भी गोटा पट्टी का, इसमें भी गोटा पट्टी का वर्क दिया हुआ है, जैसे कि एक लेयर दो लेयर तीन, एक लेयर दो लेयर तीन लेयर पूरा गोटा पट्टी का वर्क है, बीच में भी जो घेरा है उसमें भी है, एंड बहुत ही कंफर्टेबल है। इसमें आपका पीछे इलास्टिक है तो बहुत ही आराम से फिट हो जाएगा, सो आप ये ले सकते हो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, आप लोग अच्छा ही लगा होगा, मैंने बोला ना मैंने सारे चीज़ बहुत ही चुन चुन के मंगवाया है। एंड ये रहा इसका खूबसूरत सा दुपट्टा, दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वाइट के साथ पूरा प्रिंटेड है, पूरा येलो एंड थोड़ा सा इसको क्या ग्रीन, हाँ ग्रीन थोड़ा सा टच है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसमें भी साइड में गोटा पट्टी का वर्क है, थोड़ा सा लेस टाइप गोटा पट्टी का लगा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है एंड नो डाउट बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसको भी आप लोग आराम से वेयर कर सकते हो। आप लोगों को ये सेट कैसा लगा ये ज़रूर बताना, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये रहा चौथा नंबर वाला, इसका तो मैं पहले आप लोगों को दुपट्टा दिखा दूँ, दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, पूरा प्योर कॉटन का है, सो दुपट्टा बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ये ब्लू कलर का है, ये ब्लू है, ये ब्लू डीप ब्लू है, उसके साथ थोड़ा सा ब्लू ब्लू है, ये डीप ब्लू थोड़ा सा स्काई, थोड़ा सा हल्का बेज कलर, पूरा एकदम वाइट नहीं, थोड़ा सा हल्का बेज कलर, ये पूरा प्रिंटेड है, पूरा दुपट्टा में ही प्रिंटेड है, पूरा दुपट्टा में बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत ही लॉन्ग दुपट्टा है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है, मटेरियल तो बहुत अच्छा है नो डाउट, हर एक दुपट्टा का, हर एक पूरा जो जितना मैंने आर्टिकल लिया है सारे चीज़ों का मटेरियल बहुत अच्छा है। ये रहा पूरा, ये नीचे का आपका पैंट है, और इसमें आपको नाड़ा मिल जाता है क्या, नहीं ये नाड़ा नहीं है, दिखावा का पता नहीं क्या है, तो नाड़ा तो नहीं है, सो ये पूरा पैंट है, पैंट में भी ये थोड़ा सा, ये क्या है, ओ थोड़ा सा पैंट में ऐसे डिज़ाइन वाला थोड़ा सा कट है,
जैसे कि देख पा रहे हो ये थोड़ा सा हल्का सा कट है। एक मिनट में देखूं तो कट का क्या मतलब है। ओके, अच्छा लगेगा क्योंकि ये एंकल लेंथ है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ आप फ्लैट कोई भी चप्पल पहनोगे, चप्पल या फिर जूती, पर जूती ये सब पहनोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो ये भी बहुत ही अच्छा है। इसको भी मुझे थोड़ा सा ऑल्टर तो कराना पड़ेगा। तो ये रहा नीचे का पैंट, और कुर्ता है, कुर्ता भी बहुत लॉन्ग है, एकदम से पूरा नीचे तक आएगा। और कुर्ता का पूरा हैंड है, हैंड में भी वर्क है, ऐसे ही वर्क है हैंड में। और थ्री क्वार्टर का है, ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, तो इसको तो बहुत अच्छे से पहन सकते हो। और इसका ये पता नहीं मुझे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना किसी ने ना साइड ट्राई करके रिटर्न किया होगा, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा जितना आगे दिखाया ना उसका और इसका थोड़ा सा अलग लग रहा है, पता नहीं मुझे। सो ये भी अच्छा ही है। ये भी इसका भी लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, और इसका भी, और इसका गले में कुछ वर्क नहीं दिया हुआ है वैसा खास, गले में सिर्फ ऐसे ही कट दिया हुआ है एंड ऐसे ऐसा सिला हुआ है, गले में सिर्फ ऐसा कट दिया हुआ है। बट इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि किसी ने इसको रिटर्न किया है और मुझे पैकिंग करके दे दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं। पर फिर भी मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगी क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तो मुझे लग ही रहा है। इसको मैं कम्फर्टेबली पहन सकती हूँ हर जगह पर। हाँ, मेरा फोर्थ एंड फाइव वाला जो है ये मैं बहुत टाइम से मेरा विश लिस्ट में था। ये मैंने देखा था, मैं इंस्टाग्राम में फॉलो करती हूँ उनको, वो है मलविका सेतलानी का। मैंने एक बार देखा था ये वाला सूट पहनते हुए, तो तब मैंने इसको रखा था विश लिस्ट में एंड मैंने ऑर्डर दे दिया। अब जाके मैंने ऑर्डर इसको दिया है और ये बहुत ही प्यारा है। बट ये है गेरुआ ब्रांड, ये रहा ब्यूटिफुल सा कुर्ता। ओ माई गॉड, आई लव इट। कलर देखो, इतना क्लासी कलर है, और इसका हैंड में भी कितना अच्छे से वर्क किया हुआ है, स्टाइल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। यहाँ पे भी हैंड वर्क है, बहुत ही प्रिटी सा हैंड वर्क है। और जो थ्री क्वार्टर है पर थोड़ा सा नीचे आते ही थोड़ा सा फ्लेयर टाइप है, तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और इसका नेक का डिज़ाइन तो देखो गाइस, कितना ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा एकदम वॉक किया हुआ है एंड इसका नीचे ऐसे ही है, और साइड में ना पॉकेट भी है। वाओ नाइस, साइड में इसका पॉकेट भी है। बहुत ज़्यादा मुझे ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे इसका गला इतना ज़्यादा प्यारा लगा, इसका नेक जो है पीछे भी ऐसा ही पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और ये रहा ऊपर का कुर्ती, अब मैं दिखाती हूँ इसका पैंट। सो गाइस, इसका पैंट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ ये पूरा रहा पैंट। और इसका पैंट के नीचे डिटेलिंग्स देखो, ओह भाई साहब कितना क्यूट है, पूरा एकदम वर्क किया हुआ है पूरा। और ये भी प्लाजो साइड है, और इसमें भी साइड पॉकेट है। हाँ, पॉकेट तो शायद वो सारे पैंट में भी था, मैंने दिखाया नहीं, याद नहीं था। पर ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको मैं ऑल्टर करा लूँगी। और पूरा पैंट का कुछ ऐसा प्रिंटेड है, बहुत ती डिसेंट एलिगेंट है। ऑफिस बोलो, फेस्टिवल बोलो, कहीं पे गेट टुगेदर बोलो, ये आप हर जगह पहन के जा सकते हो। जैसे मतलब आप लोग ही सोचो ना, ये कितना प्यारा लगने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। और मैं पसीना से पूरा भीग चुकी हूँ क्योंकि पंखा फैन सब चीज़ बंद करके सूट करना पड़ता है। सो गाइस, इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो दे दो, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा प्यार दे दो अपने बहन को। तो गाइस, ये कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये रहा इसका दुपट्टा। ये गाइस, तो दुपट्टा कुछ इस तरह का है, दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, दुपट्टा में भी
बहुत अच्छे से प्रिंट किया हुआ है। सो आप लोगों को कैसा लग रहा है दुपट्टा जरूर बताना। और इस साइड में जो वर्क है तो साइड में तो ऐसा ही प्रिंटेड है, दोनों ये साइड में भी प्रिंटेड है और बीच में ये वाला वर्क है। सो ये कैसा लगा गाइस जरूर बताना। मुझे तो ये सेट सच में बहुत ज्यादा क्लासी लगा। खूबसूरत तो है, प्रिटी तो है, बट बहुत ज्यादा क्लासी है, एकदम बहुत ज्यादा क्लासी है। सो ये कैसा लगा आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताना। और जितना मैंने सूट दिखाया आप लोगों को, उनमें से आप लोगों का कौन सा फेवरेट है? आई नो सबको ही मतलब एक तो सबसे ज्यादा फेवरेट होता है, जैसे कि मुझे ये ब्लैक वाला लगा था तो मैंने पहन लिया। बट एक बात बताऊं, मैंने इसको ना खोल के नहीं देखा था, जस्ट मतलब ऐसे ही सारे जो पैकेट में निकाल निकाल के मैंने रख दिया था, आज ही सारे चीज रख दिया था, इतना खोल के नहीं देखा था। पर अभी इनमें से सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट अभी ब्लैक तो है ही, बट ये वाला ज्यादा हो गया है, ये वाला मेरा टॉप में है अभी। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। आप लोगों को जितना सारा मैंने सूट दिखाया उनमें से आप लोगों को कौन सा आप लोगों को फेवरेट लगा, कौन सा अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और जितना सारा लिंक है सूट का वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, ताकि आप लोगों को अगर दिल करे लेने का तो जाके आप लोग ले सकते हो, या फिर आप लोगों को मैं जो प्राइस है वो सारी चीज मैं साइड में लगा दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। अगर आप लोग देखना भी है तो आप लोग अभी अगर नहीं लेना है तो विश लिस्ट में लग सकते हो, फिर बाद में कभी ले लेना। अभी ऐसा मौका मिलता है कि थोड़ा सा ऑफर वगैरह रहता है तो मैं ले लेती हूँ। सो आई होप आप लोग भी ऐसा करते होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताओ। फिर मिलेंगी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो कैसा लगा है वो भी कमेंट करके बताना, और वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके जाना। जो लोग न्यू हो, हाय माय नेम इज समरीन, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत ही मजेदार सा वीडियो और भी आने वाला है। जो भी तुम लोग नहीं देखे होंगे वो चेकआउट कर लेना मेरा होम पेज में जाके। तो चलो आज के लिए मैं जाती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।